ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे सिरसा की अनाज मंडी की, जहां भी किसान गेहूं की फसल बेचने के लिए जा सकेंगे, लेकिन उनके लिए किस प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमर जानी। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और इसको लेकर के मंडी में क्या व्यवस्था, इसका जायजा लेने हम पहुंचे हैं। आप देखते हो पूरी मंडी के अंदर, हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दावे किए गए हैं कि साफ सफाई भी की गई है और जो गेहूं की जो सरसों की फसल आई हुई है वो लगातार यहाँ पे सफाई की जा रही है, बिक्री है, लेकिन हालांकि सरसों की खरीद, सरकारी खरीद कल से शुरू होगी। हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा, जो मंडी प्रशासन उनके द्वारा कहा गया है कि सभी समुचित व्यवस्था कर ली गई है, बारदाना जो होता है मुख्य रूप से उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जो पूरी सिरसा जिले के अंदर अलग अलग परचेज सेंटर बनाए गए, खरीद केंद्र बनाए गए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ किसान मेरे साथ मंडी मौजूद है, क्या नाम आपका? अनिल कसमा। अनिल जी, आप क्या अभी सरसों लेके आओ मंडी में, किस तरह की आपको व्यवस्था लगती है? नहीं, ठीक है व्यवस्था जी। हाँ जी, व्यवस्था ठीक है जी मंडी में। ये जो काले कानून बने हैं तीनों, ये बहुत गलत बने हैं। कानून जरूर काले कानून बने, लेकिन आज फिलहाल हम मंडी की व्यवस्था बात करते हैं। मंडी में खरीद का काम किस तरह चल रहा है आपकी, आप क्या लेके आए हो? नहीं, सरसों लेके आए जी, काम खरीद ठीक चल रहा है जी मंडी में। तो किसान जो मंडी में व्यवस्था की गई उसको लेकर खुश है? हालांकि जो सरसों का भाव है वो शायद मुझे लगता है कि जो MSP उससे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ज्यादा मिल रहा है बिल्कुल जी, 5,000 से ऊपर है जी, MSP ज्यादा मिल रहा है जी। और सरसों का MSP कितनी है? 46 रुपये जी। तो ये एक किसानों के लिए अच्छी राहत भरी बात है कि जो MSP 4650 है उसके बावजूद इन्हें लगभग 5,000 के आसपास इन्हें दाम मिल रहे हैं। दूसरी चीजें मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से दूर दूर तक आप देखते हो मंडी के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि कल से शुरू होने वाली है जो सरकारी खरीद है, खास करके जो गेहूं की सरकारी खरीद, शुरू के हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हर साल जो दिक्कत आती है वो उठान को लेकर आती है। हर बार दावे किए जाते हैं, इस बार भी प्रशासन ने दावा किया गया कि उठान की किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन हर बार जब पीक सीजन होता है, जब आवक जोरों पर होती है, उन दोनों उठान नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होनी पड़ती है। हालांकि जो मंडी प्रशासन है उनकी तरफ से जो दावा किया गया कि इस बार जो उठान का कार्य जो दिया गया ठेकेदार को दिया गया, उसे इस तरह की शर्तें जोड़ी गई है कि उठान साथ साथ हो ताकि दिक्कतें ना हो, और यही वजह है कि इस बार देखना होगा कि अलग अलग खरीद केंद्रों पर किस तरह व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस प्रकार के दावे हर वर्ष इस तरह के दावे किए जाते हैं कि किसी तरह की उठान में जो है देरी नहीं होगी, शीघ्र उठान किया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि जिस प्रकार की समुचित व्यवस्था इन्होंने अलग अलग पूरे जिले में खरीद केंद्र बनाए गए उन पे जो व्यवस्था की गई है, उनका ये कहना है कि एक तो सारी की सारी फसल MSP में खरीदी जाएगी, उसके बाद उनका ये भी दावा है कि जो उठान का कार्य है वो शीघ्र किया जाएगा। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल के बाद जब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी उसके बाद व्यवस्था कैसी होती है, उठान में किस तरह की तेजी लाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सिरसा अनाज मंडी से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं बल्लभगढ़ में भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन किसानों के पास मैसेज जाएगा और वो फिर मंडी में फसल लेकर आएंगे। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं, ऋषि कुमार। इनसे जान लेते हैं, कल से जो है फसलों की खरीद शुरू हो रही है गेहूं की फसल की, किसान कल फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई? देखिए जी, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमने किसान को ऑनलाइन गेट पास जारी करने का अपना कर दिया है प्रबंध, और इसके बाद किसान जैसे ही अंदर मंडी में फसल लेके आता है तो उसकी फसल की जो भी सरकार MSP खरीद करेगी, एजेंसियां नियुक्त कर दी गई हैं, एजेंसी अपने तय पैमाने के अनुसार किसान की खरीद करेंगी, और इसके अलावा किसान को पीने के पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, वो हमारी तैयार हैं पूरी, और किसान जो सरकार के दिशा निर्देश हैं जैसे उसके अनुसार ही 72 घंटे में पेमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और तय समय में ही किसान की पेमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं शाम तक जो है किसानों के पास मैसेज पहुंचेंगे और वो कल से अपनी फसल को लेकर यहां पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो पूरी तरह से खाली जो इसको कराया गया है, साफ तौर पर सामने आड़ती हैं, और क्या कुछ अब की बार नई व्यवस्था में देखने को मिलेगा ये आगे देखने वाली बात होगी, या किसान कितना अपनी फसल को बेचकर यहाँ पर संतुष्ट रहेगा, किस तरीके की उनको परेशानी आएंगी, या जिस तरीके से पिछली दफ़ा जो है गेहूं उठान में काफ़ी परेशानी किसानों को उठानी पड़ी, बाद में काफ़ी दिक्कतें उनको आई, क्या अब की बार भी इस तरीके की परेशानी होगी या नहीं होगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन दावा किया गया है कि कल से गेहूं की फसल की खरीद फरोख्त यहां पर शुरू हो जाएगी। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।
कहीं कहीं हालात बिल्कुल ठीक हैं तो कहीं कुछ कमियां भी नजर आ रही हैं। यमुनानगर की अनाज मंडी में जब हमारे संवाददाता देवीदास शारदा पहुंचे तो कई कमियां सामने आई। कल से सरकार गेहूं की खरीद शुरू कर रही है। इस समय हम जगाधरी के अनाज मंडी में हैं। यहां आढ़तियों से जानते हैं क्या दिखते हैं, मंडी में काम हुआ नहीं हुआ और क्या वो चाहते हैं, जो सरकार ने स्कीम बनाई उसको लेकर वो कितना सहमत है। सर आपका नाम? तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह, जैसे कल जो फसल की खरीद शुरू हो रही है गेहूं की, तो क्या कहना चाहेंगे? खरीद कल से खरीद शुरू हो रही है जी। सर आप देखिए, मंडी में अभी तक एक भी गांठ बारदाने की नहीं है, बारदाना पहुंचा नहीं है। सरकार कैसे खरीद करेगी, कैसे उसको भरेंगे, गेहूं को उसमें कैसे भरेंगे, तो अभी तक तो ये तैयारी है जी आपके सामने। जैसे पिछला कोई एक्सपीरियंस कुछ आपका? पिछला एक्सपीरियंस सर डायरेक्ट पेमेंट का था। कुछ किसानों ने जैसे पिछले जीडी के सीजन में डायरेक्ट पेमेंट मांगी थी और कुछ लोगों ने अर्थ के थ्रू मांगी थी। मेरे खुद एक किसान की पेमेंट पिछले जीरी के सीजन की 2,05,000 रुपये जो आड़ती के पास आनी थी वो अभी तक नहीं है। ये 6 महीने हो गए लगभग इस बात पर। हमारे साथ मंडी के प्रधान भी मौजूद है सर, अपना शुभ नाम? मुनीश कुमार जी। मुनीश कुमार जी, आप बताएं किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सर आपकी बार कल से सीजन शुरू होने जा रहा है, तो आपकी बार तैयारियों का कोई देखते हुए लगता नहीं कोई सरकार की तैयारी है ना। तो अब तक जैसे ये कह रहे हैं कि आपकी बार प्लास्टिक का बारदाना देंगे, अब हमारी मंडी में तब तक कोई भी बेल प्लास्टिक के बारदाने की नहीं पहुंची ना। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश मंडी का हाल में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ, मैं हूं सोनल दहिया। कल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है और इसको लेकर सभी अनाज मंडियों में तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल खरीद शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कई अहम जानकारियां दी हैं। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल गेहूं की खरीद पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि सरसों का मार्केट रेट एमएसपी से ऊपर चल रहा है। ऐसे में जब तक रेट सही होगा तब तक ऐसे ही चलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल खरीद की प्रक्रिया के लिए एसओपी तैयार की गई है जिसमें किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर और खरीदार का सीक्वेंस तैयार किया गया है। सीएम ने जोर देकर बताया है कि 72 घंटे के अंदर किसानों के फसल की पेमेंट कर दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों को 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा और ये रकम किसानों के खाते में सीधी चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आढ़ती को आढ़त सरकार की तरफ से दी जाएगी, ना कि किसान देंगे। किसान और आढ़ती का लेन देन उनका अपना होगा। कल से शुरू होगी का भी सिस्टम, सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है, सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी। लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। एसओपी हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है और उसके बाद आढ़तियों ने क्या क्या करना है और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए, तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया हमने जारी किया है ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस ना रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए, तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी।
और अब बात करते हैं अंबाला की, जहां अनाज मंडी में फसल खरीद की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जो कुछ भी चीजें बची हुई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। अनाज मंडी में फसल खरीद से पहले किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमन कपूर ने। 1 अप्रैल से प्रदेश भर की मंडियों के अंदर गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है। इस बार किसान आंदोलन के चलते सरकार कुछ ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए मंडियों के अंदर उठान से लेकर भुगतान तक के लिए व्यवस्था कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो मंडियां हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसलिए जो अधिकारी हैं वो लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और जो साफ़ सफाई है या और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सरकार का यह भी दावा है कि जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर जो फसल के दाम हैं, भुगतान है, वो किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार के ये दावे कितने सटीक साबित होते हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और वहीं किसान आंदोलन के बीच किसानों के गेहूं की फसल की ये खरीद खास है, क्योंकि एमएसपी को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार सही एमएसपी देकर किसानों के बीच एक संदेश भी देने की कोशिश करेगी। कुरुक्षेत्र की मंडी में हालात कैसे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा ने। तानेसर अनाज मंडी में सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस समय हम मंडी के सचिव के दफ्तर के बिल्कुल बाहर हैं। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरह से जो ये बिजली के खंभे हैं ये उन प्लिंथ पर पड़े हैं जहां की जो है गेहूं आनी है। उसके अलावा जिस तरह से जो है पानी की व्यवस्था की बात सचिव महोदय कर रहे थे, तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है ये जो पानी की व्यवस्था की गई है। हालांकि इन टूंटियों में यदि बात की जाए तो टूंटियों में जो है पानी तो ज़रूर है, लेकिन सफाई की बात की जाए तो देखिए ये जो किस तरह से जो है गंदगी सटी पड़ी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं के नाम पर जो है खानापूर्ति की जा रही है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं कैथल की अनाज मंडी में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई है। सुबह से शाम तक खरीद हो जाएगी और आड़तियों के जरिए ही फसल खरीद का काम होगा। कैथल की अनाज मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने। कैथल की अनाज मंडी में कल से यानी 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू होगी। इसको लेकर जो मंडी के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने दावा किया है कि जो भी सुरक्षा को लेकर है, सभी तैयारियां हैं, सफाई को लेकर है या फिर साइड को लेकर है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो मंडी है, मंडी के अंदर जो सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात जो है कि किसान है, जो किसान को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मंडी के जो अधिकारी है उनका दावा है कि फसल खरीद का कार्य कल से यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके मद्देनज़र मंडी में सफाई कार्य पूरा कराया गया है। रास्ते में रास्ते से लेकर साइड के नीचे तक की सफाई करवा दी गई है। किसानों के लिए मंडी में पेयजल व्यवस्था है व बिजली की व्यवस्था की गई है। वहीं कैंटीन भी शुरू की गई है जहां पर कम कीमत पर किसानों को गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बार 2 नए साइड भी कैथल में बनाए गए हैं ताकि जो बारिश का मौसम अगर आता है तो पिछली बार भी जो फसल थी किसानों की बिक गई थी साइड ना होने के कारण, लेकिन अब की बार तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। कैथल कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अनाज मंडी में किसी भी किसान को परेशानी ना हो, गर्मी के इस मौसम में पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी किसानों को दो चार होना पड़ता है। मंडियों में इसका भी खास ख्याल रखा गया है। रेवाड़ी की अनाज मंडी में क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता श्याम पाटला ने। यानी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, लेकिन सभी व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त देखी गई हैं। 5 कूलर लगाए गए हैं ठंडे पानी के, ताकि किसानों को पीने के पानी की परेशानी ना हो। अटल कैंटीन भी यहां पर पिछले साल खोल दी गई थी, जहां किसानों को मात्र 10 रुपये में खाना मिलेगा। और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से दुरुस्त देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जहां हम खड़े हैं, जिस शेड के नीचे खड़े हैं, अभी तक जो सरसों की खरीद हुई है, चारों तरफ हमें सरसों ही सरसों नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर शेड के नीचे सरसों की बोरियाँ रखी हुई हैं, खुले में रखी हुई हैं, और किसान अभी तक अपनी सरसों यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सरसों
किसान लगातार मंडी में लेकर आ रहे हैं, जहां कल गेहूं की खरीद होनी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां पर किस प्रकार से गेहूं की बोरियों को रखा जाएगा, क्योंकि बदलते मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। अगर बारिश आती है तो निश्चित रूप से गेहूं की जो बोरियां होंगी वो भीगेंगी और नुकसान चाहे किसान का हो या फिर सरकार का, नुकसान तो नुकसान ही है। इस समय हमारे साथ कुछ और किसान भी खड़े हुए हैं, जहां हम उनसे बात करेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर। आप मंडी के अंदर खड़े हुए हैं और कल यहां पर जो गेहूं की खरीद शुरू होनी है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं आपको? ठीक आ रही है जी व्यवस्था, सरकार करेगी तो ये काम जो आप कह रहे हो। तो खाना पीने की व्यवस्था किस प्रकार से देख रहे हैं आप? गर्मी का समय है, गर्मी का 10 रुपये अटल सेवा केंद्र खुली है, खाने रसोई खाना मिलेगा। हाँ जी, और पांच कूलर बताओ, कूलर भी लगाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल बार बार हमारे सामने घूम कर आ रहा है रख रखाव का, क्योंकि अभी सरसों का यहाँ से उठान नहीं हुआ, तो गेहूँ किस प्रकार से यहाँ पर रखी जाएगी? और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एकदम फट बिल्कुल फुल नज़र आ रहा है, और बात करेंगे कि रख रखाव की क्या व्यवस्था नज़र आ रही है आपको? देखो, ये जो हमारे यहाँ जो सेठ जी हैं, यहाँ से बोरी को उठा लेंगे और टीन के अंदर ही गेहूँ रखवाएंगे। सरकार व्यवस्था करेगी कि टीन के अंदर ही हो और सारी सुविधा देगी सरकार, खाने का भी दे रही है, वाटर कूलर भी लगा रही, सैनिटाइज़र भी है, सारी चीज़ सुविधा सरकार ने कर रखी है। बात इतनी है रख रखाव के लिए, जो बाहर जो फट पर गेहूँ डलेंगे उनका नुकसान होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना काल को देखते हुए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, गेट के ऊपर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और यहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया गया है, 5 कूलर लगाए गए हैं, कैंटीन में भी 10 रुपये का खाना मिलेगा, किसान काफ़ी खुश है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1975 रुपये रखा है, उसके लिए भी किसान अभी तक बिल्कुल खुश नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रख रखाव का, अगर बारिश होती है तो गेहूँ की जो बोरियाँ यहाँ पर किसान लेकर आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। श्याम बाटला, इंडिया न्यूज, रेवाड़ी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।